तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। आज से सीखेंगे, हमारी सिलाई की फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से। जिनको सिलाई आती है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आती है, जो शुरुआत करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। और सिंपल से सिंपल तरीके से हम लोग सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये रहा हमारा सिलेबस जिसमें हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है नाप लेने का सही तरीका। अगर हमारा नाप लेने का सही तरीका नहीं होगा या लूजिंग फिटिंग कैसे देनी है, अगर उसी में ही गलती होगी हमारी, तो हमारे सूट की फिटिंग कभी भी सही से बैठेगी नहीं। इसीलिए हमें नाप सही से लेना है। जो भी आपका कस्टमर है, या आपकी खुद के लिए सिल रहे हैं, या आप कपड़े से भी मार्जिन लेके सिल रहे हैं, कपड़े से कपड़ा रख के सिल रहे हैं, तो भी तो आप लोग को नाप लेना सही से आना चाहिए। तो शुरू करते हैं नाप लेने के लिए कैसे लेते हैं। सिलाई के लिए सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को, इंच क्या होता है, हाफ इंच क्या है, कितने लोगों को नहीं पता, कितने लोगों को पता है। तो ये रहा हमारा इंची टेप, इसे फीता भी बोलते हैं, इंची टेप भी बोलते हैं। ये हम जब भी रखते हैं अपने कपड़े पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ से होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 इंच का होता है, फिर 1 इंच से 2 इंच ऐसे करते हुए ये 60 इंच तक के होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी पॉइंट आता है एक बीच में, उसको हाफ इंच बोलते हैं। जो ये मिड का पॉइंट दिखता होगा आपको, इसे हाफ इंच बोलते हैं। ठीक है, अब 1/4 इंच किसे बोलेंगे? जैसे मुझे किसी ने बोला कि 1/4 इंच लेना है या 2.5 इंच लेना है, तो 1/4 किसे बोलेंगे? इन हाफ के बीच में जो बीच का आता है उसे 1/4 बोलेंगे। तो ये मेज़रमेंट का रह गया फीता। यहाँ से यहाँ 1 इंच, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 3 इंच, ऐसे करते हुए आगे गए। फिर यहाँ से बीच में आए 1/2 इंच, फिर 1/2 इंच, फिर 1/2 इंच, हाफ, ऐसे करते करते ये हो गया 1/2 इंच, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, ऐसे करते हुए गए। और 1/4 इंच का यूज़ कहाँ होता है मैं बता दूँ आपको, जब भी हम लोग गले का मेज़रमेंट लेते हैं तब हम ज़्यादातर 2.5 इंच पे गला काटते हैं। ये इसे बोलते हैं 2.5 इंच। ये 2.5 और 3 के बीच का हिस्सा जो होता है वो 2.5 इंच। ये हम गले पे जब सूट कटिंग करेंगे तब मैं बता दूंगी आपको सही से। फिलहाल ये चीज़ हो गई फीते की। 1 इंच 2 इंच 3 इंच किसे बोलते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ों को ये भी समझ में नहीं आता है 1/2 इंच क्या है, 1 इंच क्या है, 2 इंच क्या है, पता नहीं। सूट का नाप लेने के बाद सबसे पहले आता है हमारा चेस्ट। बॉडी मेजरमेंट में चेस्ट, कमर और हिप। चेस्ट अगर हमारा 32 है, कमर हमारी 28 है, फिर हिप हमारा 32 है, तो मेज़रमेंट कैसे लेंगे? ये फिटिंग साइज़ है हमारी, ये हमारी फिटिंग साइज़ है, फिटिंग नाप है मतलब, ये हमारा फिटिंग नाप है। और जब भी हम सूट सिलते हैं तो 2 इंच का लूज़ देते हैं। जैसे अभी हम ये फिटिंग से नाप है हमारा, लेकिन जब हम सूट पे कटिंग करेंगे या सिलेंगे तब ये 34 हो जाएगा, 2 इंच की लूजिंग आ जाएगी इसमें। ब्लाउज़ों में कोई लूजिंग नहीं होती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लूजिंग चाहिए ब्लाउज़ में, तो आप 1 इंच या 1/2 इंच का दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ 28 की कमर थी, तो हम यहाँ पे 38 देंगे लूजिंग के लिए। हिप हमारी 32 थी, तो यहाँ पे 34 देंगे लूजिंग लेके, 34 30 34, ये लूजिंग के साथ दिया है मैंने यहाँ पे। और ये फिटिंग नाप है। कपड़े की तह जो हमारी होती है वो 4 फोल्ड में होती है। जब भी हम कपड़ा रखते हैं, जैसे ये मान लो हमारा कपड़ा है, कपड़े को हम लोग 4 फोल्ड में तय करते हैं। एक फोल्ड हुआ, फिर ये दूसरा फोल्ड हो गया, यानी कितने कपड़े पल्ले हुए, एक पल इधर, 2 पल्ले गए, ये कटिंग होगी तो ये 2 पल्ले हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 पल्लों में ये तय हो चुके हैं कपड़े। इस तरह से कपड़े की कटिंग करते हैं। ये नहीं कि 32 है तो पूरा एक ही बार 32 लेके चले जाएंगे, फीते के हिसाब से 4 फोल्ड में कपड़ा तय कर लिया 32, ऐसा नहीं।
32 है ना, तो 34 हुआ लूजिंग लेके हमारा। इसका फोर्थ हिस्सा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 8.5 इंच का। अब ये कैसे आया, कितने लोगों को समझ ही नहीं आया, तो मैं बता दूं उनके लिए। फिटिंग हमारी 32 है, लूजिंग लेके हमने इसे 34 किया, ठीक है। अब 34 का चौथा हिस्सा निकालना है हमें, क्यों, क्योंकि हम जब भी कपड़ा रखेंगे वो दो फोल्ड में रखेंगे, यानी वो चार तह के ऊपर रहेगा कपड़ा, 1 2 और ये कटिंग हो जाएगी तो ये हो जाएंगे 4। इसको काट ही देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इजी तरीके से। बहुत इजी से इजी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना नाप लेने ही नहीं आ रहा है सही से। कुछ कुछ बहुत टैलेंटेड है उनको आ जाता है, कुछ कुछ नहीं हो पाता है, तो सीखेंगे। ये जैसे 1 2 3 4, ये 4 तह में कपड़ा है, तो हमें ये 4 चौथा हिस्सा निकालना है। जैसे 34 का चौथा हिस्सा निकाला, अब इसमें क्या करेंगे, मेजरमेंट कितना आया, 8.5 इंच। 8.5 इंच कहाँ हो गया, अब ये हो गए हमारे 8.5 पे, 8 और 9 के बीच का 8.5। सूट पे जब भी हम रखेंगे तो क्या रखेंगे, 8.5 रखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं वो अलग से मैं बता दूंगी कपड़े पे। फिलहाल तो इतना ही समझना है कि हमें मेज़रमेंट कैसे लेना है। जो भी मेज़रमेंट होगी हमारी, उसमें 2 इंच की लूजिंग रखेंगे, उसके ऊपर चौथा हिस्सा निकाल के बाहर कर देंगे। जैसे ये 30 है, 30 का आधा हो गया 15, 15 का आधा हो गया 7.5। ये 34 है, 34 का हो गया आधा 17, 17 का आधा हो गया 8.5। इस तरह के हमें चौथा हिस्सा निकालना है हर चीज़ों का, क्योंकि हमारा कपड़ा 4 हिस्सों में बैठा रहेगा। जब हमारा कपड़ा 2 हिस्सों में रहेगा, यानी 2 तह में बैठा रहेगा, 1 और 2, तब हम अपने लूजिंग के साथ जो भी मार्जिन रहेगी उसका आधा करेंगे, ना कि 4 भाग में लेंगे। जैसे अभी ये मेरा कपड़ा 2 हिस्सों में बैठा हो, 1 और ये 2, तो 34 का आधा कितना हो जाएगा, 17, ये हाफ। बस हमें ये चीज़ नाप लेने का सही तरीका सीखना है। अगर सही तरीके से नाप लेना सीख गए आप, तो सिलाई आपकी फिटिंग कहीं पे भी इधर उधर नहीं होगी, फिटिंग आपकी परफेक्ट बैठेगी। अभी जैसे एक चेस्ट का नाप ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे 36, कमर का नाप हो गया इनका 30, हिप का नाप हो गया 38, ठीक है। ये मेरा फिटिंग नाप है, ये मेरा फिटिंग नाप है चेस्ट का, लूजिंग के साथ नहीं है। अब इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। अगर आपने लूजिंग ऐड कर लिए नाप लेते समय, तो आप फिर लूजिंग मत दीजिएगा, लेकिन अगर आपने फिटिंग लेते समय देगी। ये मेरा फिटिंग नाप है, तो अब इसमें मैं 2 इंच ऐड कर दूंगी। ये सूट के लिए बता रही हूँ मेज़रमेंट, मैंने ब्लाउज़ के लिए नहीं बताया है। तो 36 में 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38, 30 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32, 38 में ऐड करेंगे 240 हो जाएगा। ये हमारा लूजिंग के साथ हो गया है नाप, ये लूजिंग के साथ नाप लिया। अब इसका फोर्थ हिस्सा निकालेंगे, 38 का आधा हो जाएगा 19, 19 का आधा हो जाएगा 9.5, 32 का आधा हो जाएगा 8, 40 का आधा हो जाएगा 10। ये इजी तरीका हो गया। अगर आपको इस तरीके से भी लेना नहीं आ रहा है या मैथ समझ में नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं। अगर आपने लूजिंग ले लिया 38, मुझे लूजिंग देनी है सूट पे, ये बिना अस्तर वाले सूट पे, और जब भी हम लोग अस्तर वाले सूट सिलेंगे उसमें और 1 इंच ऐड करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कॉटन वेटन के सूट सिलेंगे तो उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग अस्तर वाले जब सूट सिलेंगे उसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड होगी। जैसे 38 की जगह 39 हो जाएगा, 38 का 9.5 किया, यानी 9.5 लिया। चौथा हिस्सा निकालना है इसका, बार बार बता रही हूँ, चौथा हिस्सा, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है उनके लिए। अब इस तरीके से भी हमें मेज़रमेंट समझ में नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, 38 है ना, फीते पे चले जाओ आप, 38 कहाँ आ रहा है।
ये रहा हमारा 38 है ना। 38 को सीधे पकड़ो इस डायरेक्शन से ऐसे, ये 38 और ये 1 आपस में रखो, इन दोनों को फीते को अच्छे से फोल्ड कर दो और सीधे खींच लो सीधा करके। ये कितना आया, 38 का हाफ आया है, 38 का हाफ आया है। फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे 19 से 1 को लेके, यहाँ से यहाँ। ये आया है हमारा इधर 9 और 10 के बीच 9.5 आ गया, 9.5। मतलब जो भी मेजरमेंट रहेगा उसका चौथा हिस्सा हमें निकालना है अच्छे से। अब आप इस तरीके से निकाल लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से निकाल लीजिए। दूसरा है हमारा कमर का नाप 30। 30 यहाँ फीते पे आए हम लोग, इसको यहाँ से 1 से लेके 30 तक गए, इसका हाफ कर रहे, यानी ये 2 बार कर रहे हैं हम लोग इसको। पहले 4 बार निकालना है, लेकिन हम लोग पहले ये 2 बार किए, ये 2 बार हो गया, एक बार इधर एक बार इधर। अब एक बार और इसी को बैठा लेते हैं, ये हो गया 4 बार, यहाँ पे आए हम लोग ठीक है। 7.5 मतलब 7.5 पे आ गए। अब ये कितने हिस्से पे बैठा, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा और 4 हिस्से पे, ये 4 तह में बैठ गया, यानी 7.5 पे 30 का। इसी तरीके से आप कोई भी मेजरमेंट रहे, ज़रूरी नहीं कि आप नहीं सिल सकते, ऐसा नहीं है कुछ, बस कोशिश करनी है, मेहनत कीजिए, हो जाएगा। जैसे ये 42, 42 का मुझे 4th हिस्सा निकालना है, लूजिंग के साथ आप पकड़ोगे तो, ये नहीं कि आपने फिटिंग नाप ले लिया और इसी पे आपने कटिंग कर दी, स्टिचिंग कर दी, तो वो सूट फंस घुसेगा ही नहीं आपका, अटक जाओगे उसी में। इसलिए लूजिंग के साथ जब भी सूट सिलो, लूजिंग के साथ सिलो। अभी जैसे ये मेरे लूजिंग के साथ, मतलब फिटिंग नाप था मेरा 40, लेकिन लूजिंग के साथ 42 आया, यानी मुझे 42 का सूट सिलना था, तो मैं इधर हाफ पे पकड़ रही हूँ, हाफ करूँगी इसको मैं यहाँ से, यहाँ से हाफ किया, ये आया 21। अब 21 का मैंने आधा किया यहाँ पे, ये आ गया 10.5। इस तरीके से मेजरमेंट लीजिए आप, जो भी सूट हो आपका उस पे 2 इंच की लूजिंग देंगे आप सिंपल सूट पर, 2 इंच की लूजिंग। अस्तर वाले सूट पर 3 इंच की लूजिंग। फिटिंग नाप लेने के बाद अगर आप लूजिंग साथ ही में ऐड कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। और जब कोई आपका कस्टमर सूट दे और बोले मुझे इसी नाप का सिलना है सूट, तो कोई बात नहीं, आप सूट को यहाँ से यहाँ तक, एग्जांपल के लिए जब भी आपका कोई कस्टमर सूट दे आपको, ये जहाँ पे आरमोल जुड़ते हैं यहाँ से पकड़ना है हमें, यहाँ से सीधी फीते को सीधा रखना है एकदम, और जितना रहेगा उतना फिटिंग देंगे हम लोग। जैसे ये 23 है, 23 पे बैठ रहा है, तो ये 23 ही देंगे जब हम लोग सिलेंगे, तो 23 पे ही सिलेंगे, ये नहीं कि अलग से और लूजिंग 2 इंच का ऐड करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा सूट सिला हुआ है तो इसमें लूजिंग ऐड की है। चेस्ट नाप रहे हैं तो वो फिटिंग के साथ नापेंगे इस तरीके से। इस तरीके से तो हम लोग लूजिंग दे देंगे। अगर आपने नापते समय ही लूजिंग ले ली है 2 इंच 1.5 इंच की, तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा चेस्ट की फिटिंग नाप लें
और उसके ऊपर 2 इंच का लूजिंग है, परफेक्ट स्टिचिंग होगी आपकी, परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। और इसमें मैं बता दूँ थोड़ा सा, ये हमारा गला होता है फ्रंट, यानी ये सामने का गला है, ये पीछे का गला है, ये कॉलर सूट बना हुआ है, और इसे हम लोग बोलेंगे कंधे, शोल्डर, इसे हम बोलेंगे आरमोल, जो बाजू जो जुड़ती है जिस जगह पे उसे हम लोग आरमोल बोलेंगे, या तो मुड्डा भी बोल सकते हैं। फिर जो आरमोल की जो स्टिच होती है जहाँ पे बाजू जुड़ती है, उससे सीधे हम चले जाते हैं, इसे चेस्ट का फिटिंग बोलते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे 14-15 इंच पे, तो इसे हम कमर का नाप देते हैं। यहाँ पे कमर हम इसे नहीं बोलेंगे, नीचे नाभि के साइड के एरिए को नहीं बोलेंगे, जस्ट हमारे चेस्ट के नीचे का जो 1 से 1.5 इंच के नीचे का गैप होता है, उसे ही हम कमर का मेज़रमेंट देते हैं। और इसे हम हिप बोल सकते हैं, नीचे का जहाँ पे हमारी चाक बनती है सिलाई की, इसे हम चाक बोलते हैं या तो हिप का एरिया बोलते हैं। आगे वाले भी इस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी इसे सूट कटिंग कैसे होती है नहीं होती है। फिलहाल तो मैं बता दूँ, सारे जितने भी मेज़रमेंट होंगे हमारे, वो हम कपड़े को 4 तह में करके रखेंगे। अगले वीडियो में आप सब न्यूज़पेपर, फीता, पेन या चौक चीज़ें ज़रूर रखें साथ में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी। और रेडीमेड कुर्तियों में जब भी हम लोग लूजिंग देते हैं, रेडीमेड कुर्ती 4 इंच की लूजिंग देते हैं, सिर्फ चेस्ट तरफ, कमर का नाप और हिप का नाप बराबर रहता है, जितना रहेगा उतना ही लेंगे 2 इंच की लूजिंग ऐड करके। लेकिन जब हम रेडीमेड कुर्ती पे चेस्ट की तरफ लूजिंग देते हैं, वो 4 इंच की कम से कम देनी चाहिए, क्योंकि रेडीमेड वाली जो कुर्तियाँ होती है उनके आर्मोल्स कुछ बड़े से होते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो हम लोग एक बताऊँगी अगले वीडियो में क्यों, क्योंकि अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं देख बता देती हूँ। क्योंकि हम लोग जब कुर्ती सिलते हैं तो 1 इंच के अंदर कटिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि झोल ना आए, सल ना पड़े यहाँ पे। लेकिन रेडीमेड में ऐसा कुछ नहीं होता है, रेडीमेड वालों में सीधी कटिंग होती है, इसलिए वो टाइट सा पड़ जाता है। अगर आप फिटिंग नाप देंगे ना 2 इंच का, तो वो हमेशा आपको टाइट ही पड़ेगी, इसलिए 4 इंच तक का लूजिंग देंगे ना चेस्ट साइड, तो वो बराबर बैठेगी। और कमर का जो नाप रहेगा 2 इंच लूजिंग देंगे, और हिप में जो भी नाप रहेगा आप वो भी 2 इंच लेके दे सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे भी 4 इंच की लूजिंग दी तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहीं पे 4 इंच की लूजिंग देंगे, यहाँ पे 2-2 इंच की लूजिंग देंगे, बिना अस्तर वाले सूट की बता रही हूँ मैं। अगर अस्तर वाला सूट होगा आपका, तो कम से कम 3 इंच की लूजिंग आप ज़रूर पकड़े फिटिंग नाप के साथ। और इतनी चीज़ें आप समझ जाए, अच्छी बात है, इतनी चीज़ समझ आई होगी आशा करती हूँ आप लोगों को, कि जब भी हम लोग लूजिंग के साथ नाप लेंगे, उसका 1/4 हिस्सा निकालेंगे। कपड़े को हमेशा हम लोग 4 तह में रखेंगे। कपड़ा 2 तह में तब आता है जब आपके फ्रंट में कोई डिज़ाइन है अलग सी, या कढ़ाई की हुआ सूट हो, वर्क वाला सूट हो, तो उस समय हम लोग अलग अलग कटिंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, मिलते हैं कल के वीडियो में।